सारे नाम जानते हो, एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान के अंदर नरवाल के अंदर जानी पहचानी शख्सियत, खुदा के खादम हमारे मोहतरम अस्ताद बिशप आरम श्लास गिल साहब, आपकी पार्थिव ताली में खुदा के कलाम को लेकर स्टेज पर आते हैं। कलामी अकदस की तजीम खड़े हो जाए, खड़े हो गए आपको बताया था, आपने खुद ही उठाया और कह के खाया तो फिर क्या खाया। बाप और बेटे रूह कुदस के नाम में, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और पवित्र नाम में, जो सुला सलामती अमन का शहजादा और मनजी आलमीन है, जिसने बरेलो इंसान की नजात को मुमकिन किया, आप सबकी खिदमत में सलाम। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जिसने ये मुमकिन किया कि आज खुदावंद के कलाम को सुनाया जाए, सुना जाए। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप सब अपने अपनी जगह पर थोड़ा बैठ जाए ताकि हम खुदावंद का कलाम सुना सकें। ठीक है, बड़े ध्यान से खुदा का कलाम सुने। हमें जो खुदावन ने मौका दिया है और ये उसका फजल है, उसका रहम है कि खुदा ने हमें जो मौका बख्शा है कि हम उससे फायदा उठाएं। पादरी साहब ने बड़ी स्ट्रगल, बड़ी मेहनत की है पादरी अनवर साहब ने, और फिर ये मौका मिला कि हम सब इस जगह पर बैठकर खुदावंद की इबादत करें और खुदा के खादम आकर खुदा का कलाम पेश करें। तो कुछ हमें, हाँ, जिन दोस्तों को धूप लग रही है वो छांव में आ सकते हैं क्योंकि इस तरफ काफ़ी जगह है। तो ये कावश जो खुदा के लोग करते हैं उनके लिए हम हालेलुया कहते हैं। तो मैं नचीज फरजंदे नरवाल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है, जो कुछ है खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। तो बढ़ता जा मैं कम होता, तो हम तो कम होना चाहते हैं। खुदावंद अगरचे हमें इस्तेमाल करता है तो हालेलुया। आए फिर हवाला बताने की जरूरत नहीं, क्या जरूरत, हाँ वाला बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। तो यूं फरमाया गया है जी, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि क्यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क्यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। पाकलाम के पढ़े जाने के सबब से खुदाबंद की बरकत हम सब पर नाज़िल। कलाम मुकद्दस की आज जो आयत मुबारका तलावत फरमाई गई और मेरे मसीहा ने जो अपनी ज़बान मुबारका से फरमाया और मार्था ने जो अर्ज किया, ये दोनों की बातें बड़ी अहम हैं। रात को भी हमने क्यामत के हवाले से बहुत कुछ सीखा और सुबह की इबादत में
मैं नहीं आ सका क्योंकि मैंने सियालकोट में प्रीच करना था, तो मैं उधर प्रीच करके आया हूं। दोपहर की इबादत में भी आपने जरूर खुदा के कलाम से सीखा होगा, मेरा ईमान है। और मेरे बाद भी खुदा के खादम आने वाले हैं जो खुदा का कलाम पेश करेंगे। तो मसीह खुदाबंद का इस फैमिली के साथ, इस खानदान के साथ गहरा तल्लुक था, आना जाना रहता था। और ये खानदान खुदाबंद यीशु मसीह का हो चुका था, दिलो जान से खुदाबंद यीशु मसीह के साथ ये मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। मर्था, मरियम और लहजर, और ऐसे ही मोहब्बत नहीं मिल जाती, ऐसे ही सारा कुछ नहीं हो जाता, ऐसे ही खुदावन यीशु के साथ तल्लक कायम नहीं हो जाते। स्ट्रगल करना पड़ती है, दुख उठाना पड़ता है। कुछ लोग प्रीच करते हैं, मुनादी करते हैं कि अगर आप खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। क्या कहते हैं? आपको कुछ नहीं होगा जी। लेकिन बाइबल का मेथड कुछ और है। बाइबल ये हमें सिखाती है, मसीह को कबूल करने के बाद दुखों का आगाज होता है। मसीह खुदावन की खातर हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है, मसीबतों में से गुजरना पड़ता है, बातें सुनना पड़ती हैं, और मुख्तलिफ आजमाइशों में जाना पड़ता है, मुख्तलिफ हालात में जाना पड़ता है, और फिर जाकर हम पुख्ता हो जाते हैं, फिर हम इस लायक हो जाते हैं, फिर हमारा तल्लक खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ जाता है। और ये कभी नहीं हो सकता कि आप मसीही हो, निजात याफ्ता हो, ईमानदार हो और आप पर दुख ही ना आए, ये नहीं हो सकता। आपको दुख उठाना लाजम है, आपको मुसीबतों में से गुजरना लाजम है, और जब तक आप गुजरेंगे नहीं आपको खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत का तजर्बा नहीं हो सकता। खुदावन यीशु मसीह अक्सर इस फैमिली में आया करते थे, और ये बहन जो बड़ी पुख्ता ईमान वाली है, जिसने अच्छा हिस्सा चुन लिया, मेरे मसीह ने अपनी जबान मुबारका से इस बहन के लिए बोला, फरमाया इसने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। जब हम इसकी जिंदगी की स्टडी करते हैं, मताला करते हैं, इसकी रेपुटेशन ठीक नहीं थी। मसीह को कबूल करने से पहले और फिर जब यीशु से इसको मोहब्बत हुई, जब यीशु से मुलाकात हुई, फिर ये वो ना रही। बाइबल हमें सिखाती है, वैसे तो कलाम में बहुत सी हमें ऐसी बहनें, खवातीन मिलती हैं जो दिलो जान से खुदावंद के साथ चलने वाली थी, लेकिन ये पहले खुदावंद के साथ चलने वाली नहीं थी। ये तो जिस घर में दाखिल हुई है उस घर का मालिक खुदावंद यीशु मसीह पर भी सोच रहा है, अगर ये नबी होता, अगर ये पैगंबर होता, अगर ये खुदा का बेटा होता,
तो जान जाता कि ये औरत कैसी है, ये वो औरत है, ये वो मरियम है। आए खुदा के कलाम की आयत मुबारका को पढ़ लें, आयत नंबर 2। कौन पढ़ेगा, जोर से पढ़े, चला गया आशिक, चलो माइक चल रहा है। देखेंगे खुदा के कलाम में से ये फैमिली, ये घराना, ये वही मरियम थी। देखे सुने, मरियम तो और भी बहुत सी हैं, हारून की बहन मरियम है, और ये वही मरियम थी, ये वही मरियम थी, पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पूछे, ये वही मरियम थी, इसी का भाई लाजर बीमार था। हां जी, ये वही मरियम थी, साफ क्लियर है, ये मेरी बात नहीं रही, तशरीह की बात नहीं रही, डेफिनेशन की बात नहीं रही, तफसीर की बात नहीं रही, ये तो आयत मुबारका है, ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद यीशु मसीह के पांव पर इत्र डालकर और सर के बालों से साफ किया, ये वो मरियम है। और इसकी रेपुटेशन आप जानते हैं, खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो उस घर में दाखिल होती है जिस घर में खुदा ने यीशु है, घर का मालिक शमाओं खुदावन को ये कहता है, अगर ये नबी होता तो जान जाता ये कैसी औरत है, लेकिन खुदावन यीशु मसीह दिलों और गुर्दों से वाकिफ है, दिलों और गुर्दों से वाकिफ। उसने महसूस किया कि मैं जिस घर में मेहमान हूं, मैं जिस घर में आज चीफ गेस्ट हूं, उस घर का मेजबान जो है ये मेरे हवाले से सोचो विचार कर रहे हैं। खुदावंद का कलाम बताता है जी, बाइबल कहती है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आए शमाम मुझे तुझसे कुछ कहना है। दो कर्जदारों की तमसील बताई गई है, एक को बहुत ज्यादा कर्ज, एक को थोड़ा सा कर्ज, लेकिन मालिक ने दोनों को माफ कर दिया। और फिर कौन ज्यादा मोहब्बत करेगा, वो जिसका ज्यादा मुआफ हुआ। ये मरियम वो है जो गुनाह में लथपथ है, मुआशरे में इसका कोई मुकाम नहीं है। और रात को भी यहां कुछ बेटियां कुछ गीत गा रही थी, जिनका तल्लुक यीशु मसीह के साथ जुड़ जाता है उनका मुकाम बढ़ जाता है, उनकी इज्जत बढ़ जाती है, उनका नाम बढ़ जाता है, उनका प्यार बढ़ जाता है, उनकी बरकतें बढ़ जाती हैं, उनके साथ खुदावंद यीशु मसीह का तल्लुक जुड़ जाता है। अब जबकि मरियम के साथ यीशु का तल्लुक जुड़ गया, नजात पा गई, माफी पा गई, खुदावंद यीशु मसीह का उसके साथ आना जाना उनके घर में शुरू हो गया। तो ये वही मरियम है जिसने खुदावंद यीशु मसीह के इत्र डालकर बालों से पूछा। इसका भाई लहसर बीमार, खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं, मैसेज मिल गया है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। कियामत लफ्ज के हवाले से आपने रात को सीखा, बड़ा अच्छा खुदा के लोगों ने आपको बताया, कियामत का लफ्जी मतलब, रूहानी मतलब, असल मतलब वो है रूह का दोबारा बदन से मिलाप। कियामत का क्या मतलब है, रूह का दोबारा बदन से मिलाप, वो बदन जिसको स्पिरिट हमारी रूह छोड़कर गई उसी बदन से फिर मेल मिलाप हो जाता है। ये भी कयामत का मतलब, कयामत तमाम बुराइयों का हल है,
मुकद्दस अय्यूब यानी उस पर एंड हो जाता है ना। अय्यूब 15:1-14 रोमियो 3:6 या 6:3 आने के बाद नहीं अच्छा चलो तो फिर 14:1-15 चलो इधरों बाग शुरू हो गए। क्यामत का इंसान मसीहा पर है कि क्यामत की बेस क्यामत की बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह पर है। क्यामत खुदा की मोहब्बत का सबूत है। क्यामत खुदा की मोहब्बत का सबूत है। मुकद्दस यशाया बयान करते हैं क्यामत एक नई तख्लीक है, नए सिरे से तख्लीक किया जाता है, बेशुमार मुकद्दसीन के वसीला से, नबियों के वसीला से मुर्दे जिंदा हो गए ना, हो गए ना। सबसे ज्यादा करने वाला तो खुदा होता है लेकिन वसीला जरूर होता है। मुकद्दस एलिया के वसीला से मुर्दा जिंदा हुआ, कितने कितने। एलीशा कहता था मुझे तेरी रूह का दुगना चाहिए, उसके वसीला से कितने मुर्दे जिंदा हुए, कितने बोल दे हो, दुगना नहीं तेना नहीं बहन दो ही ठीक है, नहीं दो ही ठीक है, दुगना है ना, दुगना कितने मुर्दे दो। मुकद्दस पत्रस के वसीला से कितने, एक एक मुर्दा जिंदा हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा ने यीशु मसीह के वसीला से कितने, वैसे तो सारी दुनिया के मुर्दों को जिंदा कर सकता है, बड़े मुर्दे जिंदे किए, लेकिन बिब्ली के लिए जो बाइबल के अंदर दर्ज है वो कितने, तीन। इससे ज्यादा भी अगर किसी नबी ने मुर्दे जिंदा किए हैं तो करने वाला तो हालेलुया हमारा खुदावंद है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं सबसे ज्यादा मुर्दे किस नबी ने जिंदा किए हैं, आप बता सकते हैं नहीं तो पादरियों दिन कलीसिया की बात सीखने वाली बात। सबसे ज्यादा मुर्दे एलिया ने दो, एलिशा ने एलिया ने एक, अलीशा ने दो, पतरस ने एक, खुदावंद यीशु मसीह ने तीन। सब तो ज्यादा किन्हें फिर जिंदा, नहीं नहीं यीशु मसीह तो अलावा नहीं पता, नबी की बात, नबियों की बात हो, नहीं 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 और दो कितने, मैं ही दसना जे, मैं ही दसना जे, ए ए मैं ही दसना जे, लेकिन आज की गल है मैं ही दसनी। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मुर्दे जिंदा हुए किस नबी के वसीला से, मुकद्दस हिजकीएल के वसीला से। किसके वसीला से, मुकद्दस हिजकीएल के वसीला से, जब वो सूखी हड्डियों की वादी में उतार दिया जाता है और वहां जाकर खुदा का कलाम सुनाता है, और कितने मुर्दे जिंदा हुए, लाखों हजारों हजारों मुर्दे जिंदा हो गए, लेकिन करने वाला कौन है, खुदावंद यीशु मसीह। इसे कहते हैं क्यामत, मुर्दों का जिंदा होना। क्यामत इंसानी तहरीक की इंतहा है, एंड होता है। पुराने ऐदनामा में बहुत सी किताबें क्यामत के हवाले से हमें सिखाती हैं। क्यामत का मतलब है साहब किताब का दिन, लो तीन के पर्चिया दे चौथी शुरू। क्यामत का मतलब है साहब किताब का दिन, किदा दिन, साहब किताब, भाई जिंदा भी हो गए मारे भी गए तो फिर साहब किताब। क्यामत का मतलब है साहब किताब, हम सब का
इत्साफ भी होगा इसाफ भी होगा, इत्साफ भी होगा इसाफ भी होगा। इसका मतलब है क्यामत। बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 41 बार लफ्ज क्यामत आया है। कितनी बार? 41 बार। मुख्तलिफ रूप में मुख्तलिफ जगहों पर 41 बार लफ्ज क्यामत का इस्तेमाल किया गया, और जिंदगी का लफ्ज क्यामत और जिंदगी, जिंदगी का लफ्ज 450 बार बाइबल मुकद्दस में आया है। लफ्ज जिंदगी बार सिर्फ 3 बार आया है। लफ्ज जिंदा 247 बार आया है। लफ्ज जिंदगियां 28 बार आया है। और मुकाशफा की किताब में 21 बार आया है। नहीं अजय नहीं रुक, अजय नहीं जी, जी एदा जी कम। तो यीशु मसीह ने कहा क्यामत और जिंदगी मैं हूं। इस घराने के साथ खुदावन यीशु मसीह का गहरा ताल्लुक, खुदावन यीशु मसीह खिदमत के हवाले से किसी एक जगह पर मसरूफ थे। इतनी मोहब्बत सारे साथियों की, सारे साथियों की इतनी मोहब्बत। खुदावन यीशु मसीह को पैगाम मिलता है, देर हो जाती है, खुद बाइबल का लफ्ज है खुद डिले किया जाता है, खुद देर की जाती है, और फिर खुदावन यीशु मसीह कहते हैं मेरा दोस्त लाजर सो गया है। लाजर क्या हो गया है? सो गया, सो गया है। तो उन्होंने समझ ही नहीं आई, अज भी कई नहीं आती, अभी कि फलां सो गया है, नहीं समझते, सो गया लाजर क्या हो गया? सो गया। उन्हें क्यों जी को सुता सुता होगा, चलो कोई, और हम उसे जगाने जा रहे हैं, हम उसे जगाने, मैं उसे जगाने जाता हूं जी। पाशागिर्दों ने उससे कहा अगर सो गया तो फिर उठ पाएगा, सो गया तो फिर तो गल ही कोई नहीं, बच जाएगा, बच जाएगा। सो गया इनू नींद आ गई जी, इनू कोई सुकून होएगा, इनू नींद आ गई है तो इनू कोई सुकून हो गया, नहीं तो पूरी रात नहीं सुता, बंगा वे नींद आई जाए सुकून होया। शागिर्दों ने कहा अगर सो गया है तो क्या बच जाएगा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस सो जाने को उन पर वाज़ेह किया। जी आगे, यीशु ने तो उसकी मौत की बाबत कहा था जी, मगर वो समझे कि आराम की नींद, मगर वो समझे कि मैं जी सो गया है, बीमार सी ना तो चलो सो गया। लेकिन आगे जी, तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया, तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया लाजर मर गया, लाजर मर गया है। उन पर वाज़ेह कर दिया सो जाने का मतलब है मेरे साथियों लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूं, मैं तुम्हारे सबब से खुश, लाजर तो मर गया है लेकिन मैं तुम्हारे सबब से खुश हूं। खुश क्यों हूं? क्या ना था मैं उठे नहीं सा चंगा होया, ताकि तुम ईमान लाओ, मैं उठे होता तो उन्हें मरना ही नहीं सी, मैं आओ हम उसके पास चले, मैं उठे होता तो उन्हें, भाई साहब मैं अगर वहां होता तो लाजर में मरना ही नहीं सी। मरता क्या कहती है? खुदावंद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई, तो यीशु मसीह ने भी कहा मैं खुश हूं कि वहां ना था, क्योंकि अगर मैं वहां होता तो लाजर ने मरना ही नहीं सी, इसलिए मैं खुश हूं कि मैं वहां ना था। अच्छा हुआ कि लाजर मर गया है, ताकि अब तुम देख लो, जान लो और ईमान लो
गवर्नर जी, मैं तुम्हारे सबब से खुश हूं कि वहां लेकर आओ हम उसके पास चले। लेकिन एक साथी की कह दिया सुनियो, बस तो बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है इस साथी की, बड़ी मोहब्बत है जी। क्या कहते हैं, वो मर गया थी, चलो फिर असी भी जाके मरे ही जाने हैं, हम भी चले ताकि उसके साथ मरे। ए मरन लिए आ रहे जे, किदे लिए आ रहे ने, मरन लिए। हाय साडा यार मर गया, बड़ा प्यार सी, बड़ी मोहब्बत सी, सानू भी जीन ना हुण फिर कोई फायदा, आओ हम भी जाकर उसके साथ मरे जी। बस यीशु का कर्म लेकिन यीशु मसीह जिंदा करने की कुदरत आकर मालूम हुआ, आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में 4 दिन हुए। पादरी साहब ने रात को बता दिया था बिदात मौजूद है, बिदात मौजूद हैं, कुछ ऐसे अकायद मौजूद हैं, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ईमान से हटाने के लिए सरगर्म रहते हैं जी। पास्टर रात वाली है जी 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 बिल्कुल, ईमान से ईमानदारों को हटाने के लिए सरगर्म रहते हैं, और ऐसी ऐसी रस्में, ऐसे ऐसे काम बताते हैं जो ईमानदारों को करना ठीक नहीं है, लेकिन करवाते। चले लाजर को कब्र में रखे, 4 दिन हुए, 4 दिन हुए, और बैतनिया यरूशलेम के नजदीक करीबन 2 मील के फासला पर था जी, और बहुत से यहूदी मर्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने, बहुत से यहूदी मार्था मरियम को तसल्ली दे रहे थे, नहीं चुप करो, नहीं ठीक हो गया जी, सबर करो, ओ फलाने का भी भरा मर गया सी, ओ फलाने की भैन मर गई सी, नहीं खैर है की होया, बहुत से लोग उन्हें तसल्ली दे रहे थे, जैसे आज भी बहुत से लोग तसल्ली देने के लिए आते हैं, टेंपरेरी रवायती रस्मी आगे घोड़े डाक्टर गल करते रहते हैं, थोड़िया से बह के माता माली सफा से बह के आए तसली देने, दुआ तू कोई नहीं उन्होंने आती, दुआ तू कोई नहीं आती, डाकुआ दल्ला चौरिया दल्ला लबड़ा दल्ला है एम पी दी गल इधर उधर दया गल कर कुर के अच्छा भाई असला उत बह के प्रप गंडा कर दे पादरियों के खिलाफ भी बातें बनाते। इसी तरह ये यहूदी आकर इन नौजवान फैनों को तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन उनकी तसल्ली काफी ना है, उनकी तसल्ली महज दखावे का बहस है, लेकिन इनकी सारी बातों के बाद खुदावंद यीशु मसीह का वहां आ जाना और इन नौजवान बहनों का यीशु की मोहब्बत में निकलना, और खुदा का कलाम कहता है जब पता चला उस्ताद आ रहा है, कौन आ रहा है, उस्ताद की रिस्पेक्ट तो होती है ना, इत्राम तो होता है, तो खुदा के कलाम में से अगर हम 27वीं आयत पढ़ें, उसने कहा हां ऐ खुदावन मैं ईमान ला चुकी, आए खुदावन मैं ईमान ला चुकी कि तू खुदा का बेटा, मैं ये ईमान ला चुकी उस्ताद होना अपनी जगह पर, और ये कहकर जी वो चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा किसने इकरार किया यही है वो तुझे बुलाता है, किसने इकरार किया ईमान का, मर्थल, किसने इकरार किया ईमान का, मर्थल, ये कहकर कि तू खुदा का बेटा मसीह है, और फिर ये कहकर चली गई, और क्या लफ्ज है जी, और चुपके से, और चुपके से खामोशी से
अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा उस्ताद यही है और तुझे बुलाता है, और तुझे बुलाता है उस्ताद, यही उस्ताद आ गया है, खुदा का बेटा आ गया है, यही है और तुझे बुलाता है। हालेलुया, वो तुझे बुला रहा है, ऐ मेरी भेड़ उस्ताद यही है और तुझे बुलाता है। उठ, यीशु वो सुनते ही थी देर कर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में पहुंचा था, नहीं पहुंचा था बल्कि उसी जगह था जहां मरता उससे मिली थी। पांचों यहूदी घर में उसके पास थे और उसे तसली दे रहे थे। ये देखकर के मरियम जल्द उठकर भाग गई इस ख्याल से उसके पीछे हो रही है कि वो कब्र पर रोने जाती है। वो कब्र पर अपने भाई के लिए रोने जा रही है। लोगों को नहीं पता कि उस्ताद आ गया। लोगों को अब भी कई बार दुनिया के लोगों को नहीं पता होता कि उस्ताद आ गया इन्हों की जिंदगी च। कौन आ गया इन्होंने घर च? उस्ताद आ गया। केड़ा उस्ताद? उस्तादे आजम यीशु मसीह, खुदा का बेटा, खुदा का बेटा। और लोग कहते हैं शदैणी हो गई, आधे शदैणी हो, दुआ करके भी पागली हो गई, आते इन्होंने तो और काम ही कोई नहीं। उनको क्या पता कि उस्ताद आ गया है। और खुदा का कलाम कहते हैं सारी बातें होने के बाद मुझसे बात करना चाहता हूं। कब्र पर स्टैंड अप हुए, खुदा बन यीशु मसीह के मोहब्बत से आंसू बहने लगे। आपने अपनी जबान मुबारका से फरमाया भाई लाजर को जिंदा करना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, हमारे नहीं, हमारे हमारी निगाह से लाजर को जिंदा करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। पत्थर हटाना आसान है, पत्थर हटाना आसान है, लाजर को जिंदा करना मुश्किल काम है। खुदावन यीशु मसीह ने कुछ काम उनके समय भी लाया। खुदावन यीशु मसीह ने कुछ काम उनके समय, पत्थर को कब्र के मुंह से हटा दो, इस पत्थर को हटाओ ताकि मरा हुआ लाजर कब्र से बाहर आ जाए। आज बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते। खुदावन यीशु मसीह के लिए पत्थर को हटाना को मुश्किल नहीं था, सारे पहाड़ को कहता खुदावन यीशु चल, गायब हो सकता था, जा सकता था, लेकिन खुदावन यीशु मसीह का पत्थर को तुम कब्र के मुंह से हटा दो। कुछ काम मैंने करना है, कुछ काम आपने करना है, और फिर कुछ काम खुदावन ने मुश्किल मुश्किल खुदावन ने करना है। हमने तो सिर्फ अपने दिल से पत्थर को उठाना है, अपने दिल की कब्र से पत्थर को लटकाना है, हटाना है, और फिर हमारे अंदर के सलास को, अंदर की परवीन को, अंदर की नसरीन को, अंदर की ग्लेजस को, अंदर के लहजन को, जो कब्र के अंदर मुर्दा पड़ा हुआ है, ये कहना आए आए जवान कब्र से बाहर आ जा। सिरगट का पत्थर कब्र के मुंह पर, सिरगट का पत्थर, नस्वार का पत्थर, शराब का पत्थर, बहुत से पत्थर, मुख्तलिफ कब्रों पर मुख्तलिफ पत्थर पड़े हुए हैं। और आज के इस पैगाम में सुन ले, अगर आप मुर्दा हैं, यीशु जिंदा करना चाहता है। और मैं बताना चाहता हूं कलाम के अंदर तू जिंदा कहलाता है पर तू मुर्दा। चलती फिरती लाशें, उनको यीशु मसीह जिंदा करना चाहता है। वो लाजर की तरह कहना चाहता है कब्र से निकला। और फिर खुदा का कलाम कहता है वो निकला, उन्होंने बन नहीं सी खोले। हैं साढ़े पिंड च दफन करिए ना कहते बंद खोल दी, बंद खोल दी, उन्होंने नहीं सी खोले। असी बड़ा ख्याल रखने बंद खोल दियो। लाजर जब निकला कफन समेत
खुदावनी यीशु मसीह ने यह भी फरमाया इसके बंद हुण खोलो, हुण इसके बंद खोल दो और वो जिंदा हो गया। मैं बताना चाहता हूं, सुनिए जी, ये आखिरी आखिरी बात जिंदा होने के वाले से, जिंदगी के वाले से तो बड़ी किताबें लिखी जा सकती हैं, बड़ा कुछ। जितने भी जिंदा हुए, उसमें पेन, हाँ उसमें पेन जी, सुनिए, जितने भी मुर्दे जिंदा हुए एलिया ने किए, एलीशा ने किए, मुकद्दस पत्रस ने जिंदा किया मुर्दा, मुकद्दस हिजकिय्याह ने हजारों लाखों को जिंदा किया, खुदावंद यीशु मसीह ने भी मुर्दों को जिंदा किया, वो सब मर गए, जिंदा हुए और जिंदा होने के बाद फिर लाज़र भी मर गया, सब मर गए। लेकिन याद रखिए, हम इस पर को ईदे क़यामत अल-मसीह भी कहते हैं। यीशु मसीह मुआ दफन हुआ और फिर मरने का नहीं, जी उठा, मौत और मरवा की कुंजियां मेरे पास है, मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। रोने के ना मरना, लाजर मर गया, नैन शहर की बेवा का बेटा मर गया, अलीशा ने जो मुर्दे जिंदा किए फिर मर गए, हिजकिय्याह ने जो लाखों हजारों मुर्दे फिर मर गए, लेकिन खुदा का यीशु फिर मरने का नहीं बल्कि फिर आने का है। खुदा का यीशु मसीह क़यामत अल-मसीह है, उसने साबित किया कि मैं क़यामत हूं, दावा कर देना, वादा कर देना कोई बड़ी बात नहीं। मुकद्दस पत्रस ने इस बात का ऐलान किया, जैसे मर्था ने कहा, मैं ईमान लाती हूं कि तू खुदा का बेटा मसीह है जो आने, क्या फलाना मित्र क्या फलाना तू ही कर दो। लेकिन मुकद्दस पत्रस ने कहा, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, किसके पास जाए, जिंदगी देने वाला तू है, और आपने फरमाया मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत से जिंदगी पाए। यीशु मसीह जिंदगी देने के लिए आया है, बचाने के लिए आया है, छुड़ाने के लिए आया है, और मुर्दों को आज भी रूहानी एतबार से बहुत से मुर्दे हैं जिनको यीशु मसीह जिंदा करना चाहता है और वो फिर मरने के ना होंगे, रूहानी एतबार से वो फिर मरने के ना होंगे, हमेशा तक वो जिंदा रहे। खुदा का कलाम बाइबल ये बयान करती है जी, सुनिए, अगर आप मसीह खुदावंद के बगैर हैं तो फिर जिंदगी का तसव्वुर ना करें। फरमाया गया, जिसके पास बेटा है उसके पास, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं, क्या मतलब और जिंदगी, यीशु ही आ जाएगा हमारी जिंदगी में तो फिर ही जिंदगी है। यीशु के बगैर मैं तो कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर मैं तो डेड हूं, मुर्दा हूं। और बाइबल की हम वही आयत पढ़ेंगे जो हम जबानी पढ़ा करते हैं, सारी दुनिया को यह आयत आती है, यूहन्ना 3:16, खुदा ने जी पढ़े सर, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदा का बेटा इसलिए आया ताकि वो जिंदगी दे, आपको जिंदगी देना चाहता है, सबको जिंदगी देना चाहता है, बिला तफरी नस्ल और रंग मजहब के। खुदा ने यीशु मसीह का आए मेरे उठाने वाले बहुत से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। चौथी पर्ची है, आमीन, हालेलुया। बहरहाल हमें जरूरत है, अगर मैं महसूस करता हूं कि यीशु मेरी जिंदगी में नहीं है तो मैं
मुर्दा हो। आप अपने अपनी जिंदगी पर गौर करें, खुदावन यीशु यहां मौजूद है। खुदावन यीशु मरी हुई प्रवीण को, नसीम को और दो दिन ना याद कर, हां सबको जानते हैं, आवाज देता है, मेरी बेटी आए, मेरे बेटे पत्थर को उठा, जिंदा होना चाहती है, पत्थर उठा आपकी कब्र को। जब पत्थर हट जाएगा तो खुदावन यीशु उस मरे हुए शख्स से कहेंगे बाय नेम बाहर आ, और वो बाहर आएगा और खुदावन का जलाल नमाया होगा, हालेलुया, जहर होगा। खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया क्यामत और जिंदगी, आंखें बंद करें, अपने अपनी जिंदगी पर गौर करें। आज कितनी बेटियां, कितने बेटे हैं जिनको खुदा के कलाम ने टच किया है, छू लिया है और आपने ये महसूस किया है कि मैं कब्र के अंदर हूं और मेरी कब्र के बाहर जो पत्थर है उसको हटाने की जरूरत है। आए अपने सर को झुकाए, आप जिस जगह भी हैं आप अपना हाथ खड़ा कर सकती हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, यीशु मसीह आपको आवाज देना चाहता है, शाबाश मेरी बेटी, शाबाश और कोई, शाबाश मेरी बहन, शाबाश और कोई, और कोई, और कोई, और कोई जो आज कब्र से निकलना चाहती है, जो कब्र से निकलना चाहता है, खुदावंद आपको आपकी मुख्तलिफ कब्रों में से निकालने की कुदरत रखता है। गुनाह की कब्र, अजमाइशों की कब्र, मुश्किलात की कब्र, खुदाए पाक तेरे हुजूर इन जिंदगियों को रख देता हूं, इन हाथों को छू ले जो आज अपनी अपनी कब्रों के मुंह से पत्थर उठाना चाहते हैं, इन्हें जिंदा कर दे, इन्हें फिर से बहाल कर दे, उठा खड़ा कर दे। आज का कलाम एक एक दिल, एक एक जिंदगी में उतर जाए ताकि लोग तेरा कलाम सुनकर बदल जाए, जिंदगी हासिल करें मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया। खुदा के कलाम के, खुदा के खादिम यीशुस, थैंक यू।